आमदीद। सब सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और हुकूमत ने हातम ताई की कबर पे लात मारते हुए गंदम की इमदादी कीमत में 200 रुपए इजाफे की मंजूरी दे दी। पूरे 200। अच्छा 200 रुपए में क्या आता है, 1 किलो टमाटर आ जाते हैं। लेकिन जो इमदादी कीमत है वो 1600 रुपए कर दी। जिसपे परवेज हमारे जो स्पीकर पंजाब असेंबली है परवेज इलाही साहब, उन्होंने भी कहा कि ये क्या आपने किया है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, किसान जो है वो चारा और उसके बाद जो है ना वो दूसरी अपनी चीजें काश्त करना शुरू कर देगा, गंदम कोई नहीं काश्त करेगा। लेकिन इस बात का फैसला जो है पीर को काबीना की इक्तिसादी राबता कमेटी के इजलास में किया गया, जो मुशीर बराए खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत हुआ। और इजलास को ये बताया गया है कि TCP जनवरी 2021 तक 10 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद कर लेगा। वजारत फूड सिक्योरिटी की दरखास्त पर गंदम की दरामद का हजम 15 लाख मैट्रिक टन से बढ़ाकर 18 लाख मैट्रिक टन करने की मंजूरी भी दी गई है। जी, और वैसे ये जो इमदादी कीमत है ना ये 40 उसकी है 1600 रुपए मन की है। सो ये याद रहे कि 1600 रुपए मन के ऊपर आप 200 रुपए के टमाटर जो है वो खरीद लेंगे। रूस से मजीद 3,20,000 टन गंदम दरामद करने की तजवीज़ की तौसीक भी कर दी गई है। हुकूमत ने ज़रई मुल्क होने के बावजूद गुज़िश्ता दिनों गंदम की किल्लत पर फौरी तौर पर 15 लाख टन दरामद करने की गंदम इजाज़त दी थी और इश्तहार भी छापा था ऐसे बड़ा फखरी अंदाज में कि जी गंदम आ नहीं रही, गंदम आ गई है। एग्जैक्टली सो ये फख्र की बात है या इस पे पशेमान होना चाहिए और इसके बारे में शर्मिंदा होना चाहिए, ये कुछ बातें हम करेंगे। ऐसी है फरा, और गंदम महंगी होने से और बर वक्त जो फैसले नहीं किए गए हैं हुकूमत की जानिब से, रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 साल में 220 अरब रुपए का नुकसान आवाम को हुआ है और उनको वो पैसे जो हैं अदा करने पड़े। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन औकान किसान फाउंडेशन सैयद महमूदुल हक बुखारी साहब। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बुखारी साहब बताइएगा कि 1600 रुपए मन जो इमदादी कीमत है वो मुकर्रर की गई है, क्या किसान इससे खुश होगा, पैदावार में इजाफा मुमकिन हो सकेगा ये 1600 रुपए जो कीमत मुकर्रर कर दी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फरार हमजा, सुबह पाकिस्तान में आपको ये कामयाब प्रोग्राम करने पे मुबारकबाद, आबाद आपको और आपकी टीम को। आप ऐसे इश्यूज जो असल इश्यूज हैं वो उठाते हैं। गुजारिश ये है कि 1600 रुपए एक मजाक है और हमारे लिए वो एक स्याह दिन था जिस दिन ये ऐलान किया गया। हम ये समझ रहे थे कि कम से कम रेट जो है वो 2000 मुकर्रर किया जाएगा। अब आप देखें कि मुल्क इतने बड़े बहरान से गुजर रहा है। अभी आपने बताया कि रशिया से जो है वो गंदम लाई जा रही है, ये बाइसे शर्म बात है कि आप अपने किसान को जो है वो देने के लिए तैयार नहीं है और बाहर से जो है वो चंद लोगों के खाबे लगते होंगे। बात ये है मेरी फसल मेरी मर्जी, मुझे कोई नहीं पूछता कि मेरा खर्च किया हुआ है, मेरे खराजात क्या है, मैं किस तरह से मेहनत करता हूँ, मुशक्कत करता हूँ। ये बंद कमरों में बैठ के रजाक दाऊद साहब और ये नदीम बाबर और दीगर टीम जो उनकी वो बैठ के फैसले कर देती है। वजीर आजम को इस बात पर सोचना पड़ेगा वरना ये बहरान बढ़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ किसान गंदम नहीं बीजेगा जब किसान को उसके अखराजात ही पूरे नहीं है। अगर मैं आपको ये बताऊं तो इसके अखराजात 64,000 इसके अखराजात बनते हैं। इसमें बीज है, आप देखें कि बीज कितना महंगा है, हमसे 1400 रुपए खरीद करके हमजा फरा जी। और ये दे रहे हैं मार्केट में 2300 रुपए, ये जुल्म नहीं है इस वक्त मार्केट में जो बिक रही है, लेकिन किसान को देने के लिए तैयार नहीं है और इनको ये चीज समझनी पड़ेगी। इमरान खान कहते हैं कि मैं पाकिस्तान को ऊपर उठाना चाहता हूं, वो भले कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को मराहत दे दें, भले ये सनतकारों को मराहत दे दें, जब तक ज़रात को नहीं उठाएंगे जिसकी बुनियाद पर रोजगार है। मैं आपको अर्ज कर दूं कि 48% डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अच्छा सर कमाते हैं। आपकी जो गंदम की कटाई है वो मजदूर करता है, पिकिंग मजदूर करता है, गन्ने की छिलाई मजदूर करता है और धान की फसल की जो छड़ाई है मजदूर करता है, फिर लोडिंग अनलोडिंग। आपकी कौन सी इंडस्ट्री बगैर ज़राअत के चलती है, आप ट्रैक्टर इंडस्ट्री ले लें। ठीक है सर, लेकिन आपके जहन में वज़ीर आज़म की ये स्टेटमेंट भी होगी ना जो उन्होंने अभी दी है कि कपास पे कपास और कपड़े से मुल्क नहीं बनते, कौमे तालीम के ऊपर स्पेंड करने से बनती है। जबकि हम कपास की इस वक्त जो दरामद कर रहे हैं उस पर अरबों रुपए जा रहे हैं। ये जैसे अभी हमजा ने फिगर बताई कि अरबों रुपए हमने गंदम को 1400 रुपए पिछले साल अपने किसान से हमने खरीदी और 2500 रुपए की हम रशिया
के किसान से मंगवा रहे हैं। अब 1600 रुपए इमदादी कीमत का तयन हो गया, तो आप कह रहे हैं गंदम का बहरान सर उठाएगा, वजह क्या है? हुकूमत को क्यों नहीं समझ आ रही कि ये बहरान का खात्मा कैसे हो? इसलिए कि जो फैसला करने वाले हैं, अगर उसके अंदर फखर इमाम साहब को रखा जाता, नदीम अफजल चंद साहब को रखा जाता, जो बुनियादी तौर पर जिम्मेदार हैं, यार इनको ये भी एहसास नहीं है, ये भी एहसास नहीं है कि मैं 50 डिग्री गर्मी पे आए रजाक दाऊद साहब, आए नदीम बाबर साहब और उनकी बाकी टीम खड़े हों, मैं आपके मीडिया के सुबह सवेरे पाकिस्तान के तवस्सुत से मैं उनको दावत देता हूँ, या खड़े होके हमारे इखराजात देखें और उस गर्मी में और उस सर्दी में, दोनों मौसम हम बर्दाश्त करते हैं, हम मुहिबे वतन हैं, हमने इस मुल्क में अनाज की कमी नहीं होने दी, मगर जब हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, जब हमें मसाइल पेश आएंगे, आज मेरी बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, मेरे पास फीस के पैसे नहीं है, मुझे बताएं कि मैं किस तरह से सरवाइव करूंगा? लोग जमीनें बेचने पे, जमींदार जमीनें बेचने पे मजबूर हुए हुए हैं, आप जगह जगह आप निकले, अपने नुमाइंदे को भेजें, जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं कि जमीन बराए फरोख्त, मैं अपनी जरूरियात के लिए जमीन बेचता हूं, मैं तो क्यों इस नहज पे ये शर्म नहीं आती कि आज टमाटर इतना महंगा है, आज सब्जियां इतनी महंगी हैं? इनको ये सोचना है, किसी भी जमींदार के लिए सबसे मुश्किल फैसला ही ये होता है कि वो अपनी जमीन फरोख्त दे। सैयद महमूद उलग साहब जो थे हमारे साथ मौजूद थे, बहुत मुझे ना एक बचपन में एक पड़ा हुआ है, सवेरे अंधेरे अंधेरे उठा, लिए बैल खेतों की जानिब चला, ऐ सारा जमाना अभी सो रहा, मगर वक्त है ये उसके काम का, बड़ा मेहनती है बहादुर किसान। सो हम तो ये पढ़ते हुए बड़े हुए, मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों हम इन बुनियादी मसाइल का दराक नहीं कर पा रहे। अल्लाह करे कि मामला फहमी जो है वो हो और इस तरह के बहरान पैदा ही ना हो, हम इसको इसके ऊपर एक अच्छी फहमो विरासत के साथ काबू पा सकें।